बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRP व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ भारत दर्शन पार्क की, जो कि है पंजाबी बाग में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस पार्क की जो खासियत ये है, यहाँ पे आप पूरे इंडिया का दर्शन कर सकते हैं। किस तरह से जो जितना भी वेस्ट होता है, जैसे वेस्ट ऑफ वंडर था उसी तरह से, बट उससे बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे भारत के 12 के 13 से स्टेट्स के जितने भी मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम टिकट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट को जाता है सारा पैसा। तो ये एडल्ट्स की है जो 12 से 60 ईयर के, उनके 100 रुपये है। सैटरडे संडे हैं जो वो 150 रुपीज़ होते हैं। सैटरडे संडे थोड़े चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम टिकट लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ। दोस्तों पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, आपको माई पार्किंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वॉलेट में पैसे ऐड करके फिर पार्किंग लगानी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट का रूल है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए आइए आप टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद आइए फिर दर्शन करेंगे भारत दर्शन पार्क। हमने ले लिए टिकट, ये है हमारी टिकट जो कि पड़ी है 300 रुपये की। 300 रुपये की टिकट पड़ी है दो लोगों की। तो सैटरडे संडे को 150 की होती है और नॉर्मल डेज में आपको 100 की पड़ेगी। तो चलिए आइए दोस्तों अंदर चलते हैं भारत दर्शन पार्क, देखते हैं किस तरह का, और इसका अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था, बहुत ही सुंदर है। तो फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने का बहुत ही सैटरडे संडे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा अंदर चल के देखते हैं। पिकनिक के तौर पर भी आप आ सकते हैं। तो पंजाबी बाग कैसे आना है, आप मेट्रो से आ सकते हैं और अपने ऑटो से, प्राइवेट व्हीकल से, किसी भी तरह से आप पंजाबी बाग आ सकते हैं। सीधे सिंपल रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं था। आनंद विहार से अपना कश्मीरी गेट के रास्ते से होते हुए आया था, अपने खुद की बाइक से आया था। तो बाइक पार्किंग में लगाई वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके, तो इजीली आ सकते हैं। कश्मीरी गेट से आ सकते हैं आप, साउथ दिल्ली में पड़ता है, आप कहीं से भी इजीली मेट्रो से, पंजाबी बाग मेट्रो के ठीक सामने ही पड़ता है ये। तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों जैसे ही पार्क में हमने एंट्री करी, आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि जो अमित शाह जी हैं हमारे गृह मंत्री भारत के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये पूरा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और जितना भी वेस्ट है उस तरह से ये बनाया गया है। अगर आप वेस्ट ऑफ वंडर की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा, बट उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा और उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भारत के 12 से 13 स्टेट्स को कवर किया गया है। आप जैसे कि सामने देख सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है, तो यानी कि आपने दिल्ली में ही मुंबई के दर्शन कर लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मुंबई से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मेन मोटिव था शाम को आने का, वो मोटिव ये था क्योंकि जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, शाम को क्या होता है 6:30-6 बजे के बाद लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे लाइटिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर इवनिंग में आ पाएँ तो इसकी टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, तो कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर से निकल के जा रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे वाटरफॉल स्टार्ट हो चुका है, लाइटिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये नज़ारा है यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर पार्क है। तो दोस्तों जैसे हमने गेटवे ऑफ इंडिया पार्क किया, तो हम यहाँ पे सामने नॉलेज देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा हवा महल, गोल गुंबद, कुतुब मीनार और नालंदा मॉन्यूमेंट और मीनाक्षी टेम्पल, ये 5 चीज़ें पहले फेज़ में पड़ेंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये बाइन ट्री वट वृक्ष, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 25 फीट होती है, 25x40, और इसका जो होता है समय 15 टन इसका वजन होता है, 15 दिन। तो दोस्तों देख सकते हैं जितना भी ये बना हुआ है सारा का सारा स्क्रैप से बना हुआ है, जितना भी लोहा कंकड़ है, और ये वट वृक्ष है जिस देख सकते हैं, और पूरे में इसके चारों ओर लाइटिंग और अपारा हमारा। और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए चैनल को, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं दोस्तों। तो सेकंड हमारा मॉन्यूमेंट्स है वो है खिड़कियों का जालीदार इतिहास, यानी कि हवा महल, जो कि आपको जयपुर में पिंक सिटी में देखने को मिलता है। अब हवा महल आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, पर वो है स्क्रैप से बना हुआ। तो आप देख सकते हैं, सामने दिखाता हूँ मैं आपको कितना प्यारा नज़ारा है, ये है हवा महल।
तो काफ़ी बढ़िया है। आप देखना चाहें तो जो हवा महल आप जयपुर जाके देखेंगे वो यहीं पे दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट है वो कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? आगे आगे चलते हैं। ये है देश का सबसे बड़ा गोल गुंबद, तो ये गोल गुंबद है आई थिंक, पहले हमने देखा ये सुंदर मकबरा 17वीं शताब्दी में बना हुआ। दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये है गोल गुंबद जो कि इस्लामिक राज में बना था 17वीं शताब्दी में, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इस पर लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे जैसे रात होगी लाइटिंग होती रहेगी। तो ये देश का सबसे बड़ा गोल गुंबद है। जो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारा कौन सा होने वाला मॉन्यूमेंट, आप सामने देख सकते हैं ये है कुतुब मीनार दिल्ली का। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कुतुब मीनार, बिल्कुल रियल की तरह बनाया हुआ है, स्क्रैप से लग भी नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ आप बैठने की इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे बना रखी है, अगर थक जाएं घूमते घूमते तो आराम से बैठ सकते हैं। अच्छी हवा चल रही है, सामने हाईवे है, तो घूमने के हिसाब से फैमिली के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। दोस्तों ज़रूर आइए, मोस्ट विजिटेड जगह है ये। कुतुब मीनार के बाद हम चलते हैं अपने, तीन हो गए ना, चार हो गए, आई थिंक चार हो गए। तो चलिए अब चलते हैं पांचवे नंबर पे कि कौन सा मॉन्यूमेंट सब आएगा इंडिया का। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा अच्छा लगा दोस्तों। जो मॉन्यूमेंट्स आने वाला वो है ज्ञान का प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे इंडिया में मशहूर, आप देख सकते हैं सामने उसी से ठीक सेम प्रतिमा ऐसे बनाई हुई है स्क्रैप से। ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय है, कितना सुंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ घूमने में और आपको ये भारत दर्शन पार्क हम अच्छी तरह दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बचाइए, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मीनाक्षी मंदिर, जो कि आपने साउथ में देखा हुआ बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे मैंने घंटी बजाई मंदिर में जाने से पहले। तो ये है मीनाक्षी मंदिर, कितना सुंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी भी प्रोवाइड की जाती है पूरे पार्क को दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं पीछे हमारी खड़ी हुई है, इसकी टिकट बाहर से ही मिलती है। इसकी टिकट के क्या चार्जेस हैं मैं आपको बता दूँगा अभी थोड़ी देर में। तो जैसे ये पूरा पार्क घुमाई गया, तो बच्चे बच्चे के साथ हैं, आप पैदल नहीं चल पा रहे, बड़े बूढ़े हैं, तो इसका सहारा भी ले सकते हैं गाड़ी का। 50 रुपीज़ पर पर्सन। फोटो खिंचवा रहे हैं दोस्तों। चलते चलते अगर पार्क घूमते घूमते आपको अगर भूख लग जाए या प्यास लग जाए तो हर जगह अवेलेबल है छोटे छोटे कैफेटेरिया, जो वहाँ पे आपको सैंडविच वगैरह पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी, तो बहुत ही अच्छा पार्क है। तो दोस्तों पांच मॉन्यूमेंट्स घूम के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बद्रीनाथ, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ, रामेश्वर टेम्पल और जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो दोस्तों ये पाँचों चीज़ हम अब नेक्स्ट फेज में देखने वाले। तो दोस्तों ये जो फेस होने वाला है ये होने वाला है स्पेशली मंदिर के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, जो हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर हैं बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वर, तो किस तरह से वो बने आइए देखते हैं। ये है बद्रीनाथ टेंपल और जो रियल में आपने देखा वो सेम उसी तरीके ये स्कैप के बनाया हुआ है। और ये बद्रीनाथ के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेंपल में, हमारे कौन से वाले टेंपल आते हैं, घंटी बजाते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी घंटी बजाइए। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे टेंपल देख रहे हैं ये है, हाँ बजा रहा ये है द्वारकाधीश टेंपल। कहाँ गया मिस्टी बॉय? दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं, सैटरडे संडे भारत दर्शन पार्क आप देख सकते हैं। तो हमने देखा द्वारकाधीश टेंपल, श्री कृष्ण भगवान की नगरी। अब नेक्स्ट जो हमारे भारत दर्शन पार्क में लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, एक घंटे के अंदर पूरी रात हो जाएगी और लाइटिंग का भव्य नज़ारा होगा। आप देख सकते हैं एक ट्री टाइप में बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है।
अभी हमने दो देख लिए, द्वारकाधीश टेम्पल भी देख लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रामेश्वरम मंदिर, जो कि साउथ में आपने सुना होगा। ये है हमारे रामेश्वरम मंदिर, ये आप देख रहे हैं रामेश्वरम मंदिर। तो ये जो 12वीं शताब्दी में रामेश्वर मंदिर बनाया गया था, तो सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। और इसके सेम अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्रैप से जो बनाया गया इस पार्क में, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्त। चार धाम में एक धाम, उड़ीसा के पूरे शहर में भगवान जगन्नाथ। तो दोस्तों अब ये हैं जगन्नाथ पुरी, आ जाओ। तो दोस्तों दूसरा फेस भी खत्म हो गया, तीसरे फेस में हम आए हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। महाभट महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल और हम्पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड फेस। बीते युग की रूहानी सौंदर्य, महाभट पैलेस। तो दोस्तों ये है हमारा महाभट पैलेस, जो कि कुछ रूहानी ताकतों के लिए जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छी देख सकते हैं, लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, रात का नज़ारा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा लाइटिंग स्टार्ट होती जाएगी। और टूरिस्ट जो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं काफ़ी मज़े ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पार्क है दोस्तों ये। बैठ सकते हैं, सामने स्क्रीन देख सकते हैं, पूरे पार्क को आप पूरी LED में वहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आराम से बैठ के। तो दोस्तों थोड़ी बहुत पार्क घूमने के बाद हमें थोड़ा सा प्यास और खाना पीने का हुआ, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं जहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। और लोग जिस तरह से बैठे, छोटी मोटी ज़रूरत है, और वॉशरूम की भी सुविधा आप देख सकते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों की वॉशरूम भी जा सकते हैं। आ जाओ चलो। चलिए दोस्तों जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं रानी विक्टोरिया स्मारक, जो कि आप देख रहे हैं रानी विक्टोरिया का महल, जो कि जिसे कहते हैं सेम उसी तरह से बनाया गया, आप सामने देख सकते हैं। लाइटिंग के साथ नज़ारा बहुत ही अच्छा होता जा रहा है दोस्तों, जैसे जैसे शाम होती जा रही लाइटिंग हो जाती है, तरह से होती है, लाइट चेंज होती रहती है, यही तो लाइटिंग का नज़ारा है। आपको देखा होगा कभी नीली, कभी लाल, कभी पीली, तो कितना सुंदर। जो चौथा फेज़ है वो हमारा आता है ताजमहल और मैसूर पैलेस में, तो आइए वो दोनों भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट हमारा होने वाला वो होने वाला है ताजमहल, जो कि ताजमहल जो कि आपने देखा होगा आगरा में, उत्तर प्रदेश में है रियल ताजमहल। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी लाइटिंग है, नज़ारा कितना बढ़िया है, रात को हो जाता है इसलिए लोग यहाँ पे रात को प्रेफर करते हैं आना। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर पार्क है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए लाइटिंग कितनी सुंदर लाइटिंग हो रही है ताजमहल में, लोग इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं, तो पिकनिक भी हो जाती है और देखना भी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ताजमहल का। मैसूर पैलेस ताजमहल के बाद ये है पूरा मैसूर पैलेस, आप देख सकते हैं एकदम रियल नज़ारा है लाइटिंग के साथ, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मस्ट विजिटेड पार्क है आपके लिए। घोड़े हैं जिन पे बच्चे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हैदराबाद से चार मीनार दोस्तों, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं जा सकते वो दिल्ली में ही चार मीनार देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर, इसके अंदर भी जा सकते हैं। वाह 12,000।
तो दोस्तों जैसा हैदराबाद में आपने देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा हैदराबाद के चार मीनार, तो ये सेम उसी तरह से बहुत ही सुंदर। कोई भी आ सकता है इस पार्क में, कपल्स, फैमिली वैमिली, जो भी इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, तो बहुत ही सुंदर पार्क। सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर सुंदर। तो ये है कोणार्क मंदिर, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है, सूर्य मंदिर भी कहते हैं, बहुत ही मान्यता है। कितना सुंदर है। तो जो नेक्स्ट फेज में हम देखने वाले ये हैं कलात्मक गुफाएं, जो कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहलाई जाती हैं। आप गए होंगे, आपने देखा होगा अगर अजंता एलोरा की गुफाएं रियल में, तो आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का नज़ारा कितना बढ़िया है दोस्तों। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है जो कि लेटे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है दोस्तों। रात में ज़रूर आएँ, ज़रूर विजिट कीजिए। ये आप देख सकते हैं स्तंभ और हाथी। मूर्ति कला उत्कृष्ट नमूना। तो दोस्तों ये जो लास्ट हमारा जो मॉन्यूमेंट से ये है खजुराहो का मंदिर, आप देख सकते हैं खजुराहो का मंदिर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और अगर हम यहाँ के खजुराहो का मंदिर को देखें, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग के साथ। तो सभी इसकी पूरे भारत का दर्शन एक ही पार्क में करा गया है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप आइए इस पार्क को, मस्ट विजिटेड पार्क है दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोगों को। तो होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे जितने भी व्लॉग आपको पसंद आते होंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जय नीम करोली बाबा। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ। और आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देगा, और आपकी दुआओं से मेरा चैनल चलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।